आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। ये स्नैक्स टाइम के बेस्ट रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक न्यू रेसिपी, ग्रिल्ड ब्रेड पकौड़ा की भी रेसिपी इसमें शेयर करूंगी, जिसे मात्र आप 2 चम्मच तेल में बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पनीर ब्रेड पकौड़ा कैसे बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा किचन मैजिक। मैं हूं पूजा, नमस्ते। सबसे पहले यहां पे हम बेसन का बैटर बनाएंगे। यहां पे हम 2 कप बेसन लेंगे। यहां पे आप कोई भी फाइन या मोटा कोई भी बेसन ले सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, यानी कैरम से। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। और सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें बहुत ज्यादा मसाला ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। एक साथ ही हमें बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना है। अगर आप एक साथ ही बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें लम्ब्स आ जाएगा। पहले थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, फिर इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थिक सा बैटर तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे कवर करके साइड में रख देंगे, तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे आलू का मसाला। एक पैन को गैस पे रख देंगे, उसमें हम 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसमें मस्टर्ड सीड भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चॉप्ड किया हुआ अदरक ऐड करेंगे यानी जिंजर। 1 टीस्पून चॉप्ड किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे यानी गार्लिक। इसकी जगह पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 ग्रीन चिली ऐड करेंगे चॉप किया हुआ। और सभी चीजों को हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। 2 पिंच इसमें हींग ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और सभी चीजों को हम मिक्स करके इसे भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। और फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें 5 से 6 बॉइल्ड और मैश किया हुआ पोटैटो ऐड करेंगे और इसे भी हमें मसालों के साथ भून लेना है यानी मिक्स कर लेना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, इसे हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारा पोटैटो को जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे पनीर लेंगे, इसको हम स्लाइस में कट कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें पनीर को मोटा और बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है। आप देख सकते हो इसकी थिकनेस। इसी तरह से हम सारे पनीर को कट करके तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हमने जो पोटैटो का मसाला बनाया था वो इस पर ऐड करेंगे और चारों तरफ से हम इसे फैला देंगे, बिल्कुल स्प्रेड कर लेना है इवनली। अब हम इसके ऊपर पनीर रखेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। हम इसके ऊपर ब्रेड की स्लाइस रखेंगे, इसको हल्का सा हम दबा देंगे। 1 मैं और आपको बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से हम सारे ब्रेड को तैयार कर लेंगे। इधर हमारा बेसन का जो बैटर है वो भी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ब्रेड को इसमें डिप करेंगे। अब हम इसे गर्मा गर्म तेल में डालेंगे। तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ब्रेड अगर डिप नहीं होता है तो ऐसे हमें इसके ऊपर तेल डालते जाना है। अब हम इसे टर्न कर देंगे।
दो से तीन मिनट तक हमें एक एक साइड पे मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेना है, बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक। इसे हम एक बार और टर्न कर देंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे ग्रिल ब्रेड पकौड़ा। एक ग्रिलर वाला पैन लेंगे, उसको हम गैस पे रख देंगे और दो चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। अब सेम हम ब्रेड को बेसन में डिप करके इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहे तो ग्रिलर की जगह पे नॉर्मल जो पैन होता है वो यूज कर सकते हैं। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ग्रिल कर लेना है। अगर आप ब्रेड पकौड़ा खाना चाहते हैं और बिल्कुल हेल्दी वर्जन भी चाहते हैं तो आप इस तरह से ट्राई कीजिए ब्रेड पकौड़ा को। अब हम इसे टर्न कर देंगे। दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक इसे ग्रिल कर लेना है। इसको हमें हल्का सा दबा देना है। ये देखिए दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छा कलर आया है। इस तरह से हम जब ब्रेड पकौड़ा को कुक करते हैं ना तो जो साइड्स की एजेस होती है ना वो अच्छे से कुक नहीं होती हैं। इस तरह से हमें चारों साइड जो है उसको सेक लेना है। ये भी हमारा ब्रेड पकौड़ा रेडी हो चुका है। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारे जो ब्रेड पकौड़ा है ना कितने अच्छे और कितने परफेक्ट बने हुए हैं। ये जो ब्रेड पकौड़ा है बिल्कुल डीप फ्राई वाला है। अब मैं ग्रिलर वाला भी कट करके दिखाती हूँ ब्रेड पकौड़ा। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ एक कप चाय के साथ, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।